अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार वेलकम हो गया है सद्दाम यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो याद रखें, अगर आप लोगों के ऊपर किसी तरह का बिल बाकी हो या मोबाइल का बिल क्यों ना हो, आप लोग सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं। पहले जो कारण था वो अलग था, आप लोग बिंदास जा सकते थे। तो इसके ऊपर पूरा डिटेल के साथ बात करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरबिया के कुछ अपडेटें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आपके ऊपर गरामा आ सकता है, आप लोग फंस सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ चेंजिंग होता रहता है। और जो लोग भी सऊदी अरबिया से फर्स्ट डोज वैक्सीन लगवाकर अपने देश जाते हैं और वहां पे जाकर सेकेंड डोज उसी कंपनी का लगा लेते हैं, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है। और जो लोग भी सऊदी अरबिया में रहते हैं तो याद रखे, आज के बाद स्मोकिंग करना, सिगरेट पीना मना हो गया है। या प्राइवेट सेक्टर हो, या सरकारी सेक्टर हो, या होटल हो, आप लोग यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते हैं। अगर देख लिया तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। और मस्जिद के आसपास जो जगह होती है वहां पे भी सिगरेट पीना मना कर दिया गया है, तो आप लोग ये गलती ना करें। और जहां पे भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, पब्लिक एरिया होता है, वहां पे भी सिगरेट नहीं पी सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जो लोग भी इस चीज का प्रमोट करेंगे, यानी शीशा या सिगरेट का प्रमोट करते हैं, प्रचार करते हैं अपने वीडियो में या कहीं पे भी, उन लोगों के ऊपर भी सख्ती किया जाएगा। तो ये याद रखे, आज के बाद ऐसी गलती ना करें। और जैसा कि टॉयलेट में भी पीना मना कर दिया गया है, आप लोग टॉयलेट में भी नहीं पी सकते। उसके बाद अगर पीना है तो अकेले कहीं कोने पे जाकर पी लीजिए, नहीं तो आपके ऊपर सख्ती किया जाएगा, ये कानून आ चुका है। उसके बाद हम बात करना चाहेंगे, जो लोग भी सऊदी अरबिया में रहते हैं वो जानते हैं कि पिछले हफ्ते जो अपडेट आया था कि जितने भी मस्जिद है सऊदी अरबिया में, सब में लाउड स्पीकर में नमाज नहीं हो सकती, मना कर दिया गया था। लेकिन जुम्मे वाले दिन लोगों के साथ परेशानी आई, जो लोग भी बाहर में नमाज पढ़ रहे थे उन लोगों के साथ परेशानी आई, क्योंकि जो लाउड स्पीकर है उसको बंद कर दिया जाता है नमाज के टाइम, और जो अंदर का जो स्पीकर है उसको चालू कर दिया जाता है, उसी में नमाज होती है। तो जो लोग भी बाहर नमाज पढ़ रहे थे उन लोगों को कुछ नहीं सुनाई दिया, खुतबा भी नहीं सुनाई दिया। उसके बाद जो फर्ज नमाज पढ़ते हैं वो भी सुनाई नहीं दिया, वो लोग किस तरह से नमाज पढ़े। उसके बाद जो अपडेट आया, उसके बाद उस अपडेट में ये कहा गया कि जुम्मे के दिन और ईद के दिन लाउड स्पीकर में खुतबा और नमाज होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर है। और जो लोग भी सऊदी अरबिया से अपने देश एक वैक्सीन लगवा कर जाना चाहते हैं या गए हैं, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है। अगर आप लोग अपने देश में उसी कंपनी का दूसरा डोज लगवा लेते हैं तो आप लोगों के लिए फायदा है, क्योंकि आप लोग अगर आएंगे तो आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। लेकिन आप लोगों को मुकीम वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा, अपना जो सेकेंड डोज का सर्टिफिकेट है वहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और आपको वहाँ पूरा डिटेल डालना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको दिखा दिया हूँ पहले भी और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। तो फाइनली हम बात करते हैं, जो लोग भी सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं, जैसा कि पहले जो कानून था, अगर आप लोग सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो तीन चीजों का ख्याल रखा जाता था, जैसा कि आप लोगों के ऊपर कोई भी बैंक का लोन ना हो, उसके बाद आपके नाम पे कोई भी गाड़ी ना हो, उसके बाद आपके नाम पे कोई भी जो ट्रैफिक वायलेशन होता है, मरूर का फाइन होता है, वो ना हो, तो आप लोग सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट जा सकते थे। छोटा मोटा जो बिल होता था, छोटा मोटा जो ग्रामा होता था, वो माफ कर दिया जाता था, बिना ग्रामा भरे हुए आप लोग सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट जा सकते थे। लेकिन जवाजात की तरफ से जो अभी अपडेट आया उसमें कहा गया कि अगर मोबाइल का भी बिल हो आपके नाम पे या कोई भी बिल हो तो आप लोग सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट नहीं जा सकते हैं जब तक उसको पे नहीं कर देते। बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं कि भाई अब जाने वाला हूं, और जो लोग भी पोस्टपेड सिम चलाते हैं या वाईफाई का बिल नहीं भरते हैं उन सब के लिए है, या किसी चीज का भी बिल हो आप लोग पूरा पे करें उसके बाद ही जाए, नहीं तो आप लोगों को एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। ये अपडेट है, आप लोग ये गलती ना करें, नहीं तो आप लोग सऊदी अरबिया से नहीं जा सकते हैं जब तक उसका बिल पे नहीं कर देते, या कोई भी गरामा हो पहले भरना है उसके बाद ही जा सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई कर्फ्यू का जो फाइन है 10,000 रियाल का, उनका क्या होगा? अगर आप लोगों के ऊपर कर्फ्यू का फाइन है 10,000 रियाल का तो आप लोग माफ करवा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का माफ हुआ है और बहुत सारे लोगों का अभी तक माफ नहीं हुआ है। तो अपने अफसर के जरिए उसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं कि हमारा गलती नहीं था, हम इमरजेंसी के लिए बाहर गए थे, फिर भी हमारे ऊपर 10,000 रियाल का फाइन आ चुका है। तो बहुत सारे लोगों का माफ हुआ है, आपका भी माफ हो सकता है, रिक्वेस्ट सेंड करके देखे। तो फाइनल एग्जिट जाने से पहले अपना पूरा डिटेल चेक कर ले, तो अकलना के जरिए भी चेक कर सकते हैं, अफसर के जरिए भी चेक कर सकते हैं कि हमारे ऊपर किस चीज का फाइन बाकी है या किस चीज का वायलेशन मेरे ऊपर आया है, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग भी सऊदी अरबिया में किसी दुकान से, किसी मार्केट से, किसी बकाला से उधार सामान खरीदते हैं और कहते हैं कि हम बाद में पैसा देंगे जब सैलरी आएगा, तो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं और दुकान वाला भी दे देता है, अगर वो लोग फाइनल एग्जिट चले जाए तो उनका क्या होगा, उनके साथ क्या हो सकता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने उनका पैसा नहीं दिया है तो दे दे तो बेहतर रहेगा। अगर उनको पता चला कि इंसान पैसा नहीं दिया और फाइनल एग्जिट जाने वाला है या जा रहा है, तो आपके ऊपर कंप्लेन कर सकता है, आपके कॉमन नंबर के ऊपर कंप्लेन डालेगा, तो आपके साथ दुश्वारी हो सकती है, आपको एयरपोर्ट में पकड़ लिया जाएगा। जब तक आप लोग पैसा नहीं भरेंगे जब तक आप नहीं जा सकते हैं, ये मामला हो सकता है, ये गारंटी नहीं लेकिन हो सकता है। अगर वो कंप्लेन करे तो हो सकता है, अगर कंप्लेन न करे
तो आप लोग बिंदास जा सकते हैं। लेकिन जो मोबाइल का सिम है या एसटीसी का सिम है या जेन का सिम है या वाईफाई चलाते हैं और उनका बिल बाकी है, वहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इसके नाम पे इतना बिल है, तो आप लोगों को पे करना ही होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छा लगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई सवाल तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं।